हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग सर्कल के पार्ट 6 में लेंथ ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो ये तीन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट पर। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इसमें क्या होता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हम कितना मानेंगे। जैसे कि कोई एक सर्कल गिवन है, मान लीजिए सर्कल हमारे पास है, कोई भी जनरल इक्वेशन हमने ले लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका सेंटर आ जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर। अब हमें एक्चुअली जो टेंजेंट मिलने वाली है, पी पॉइंट जहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो पी पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाया तो ये क्यू पॉइंट पर यहाँ पर मीट करता है, तो पी क्यू की जो लेंथ है इतनी लेंथ को हम टेंजेंट की लेंथ सपोज करेंगे, और ये रेडियस हो जाएगी ओ क्यू, और P पॉइंट और O पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता ही है, तो हमें काम करना है PQ कैलकुलेट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें यहाँ पे, तो वो क्या कहता है कि क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है, तो हाइपोटेन्यूज हो गया OQ, सॉरी OP, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा OQ स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो हमें बट पी क्यू कैलकुलेट करना है, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, और ओ पी क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, दो पॉइंट हमें पता है ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा एक्स वन माइनस माइनस जी दैट इज एक्स वन प्लस जी होल स्क्वायर, वाई वन प्लस एफ होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आर आएगा, लेकिन आर की वैल्यू हमें पता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट के अंदर है, तो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम इसको जो है आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाता है एक्स वन स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स वन, वाई वन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ वाई वन माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी। पूरा कैलकुलेट करने के बाद मिल जाता है एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स वन प्लस ट्वाइस एफ वाई वन प्लस सी। तो ये पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, और हमें ये पता है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो एक्चुअली बेसिकली जो हमने सर्कल का इक्वेशन, अगर हम कैपिटल एस का नाम दे देते हैं, इसको कैपिटल एस नाम दे देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये इसी लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक्स वन वाई वन पुट किया हुआ है, तो ये एस वन बन जाता है। ठीक है, तो पी क्यू की लेंथ क्या आएगी, अंडर रूट के अंदर एस वन, एंड क्लियरली एस वन मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहना चाहिए, यानी कि पॉइंट या तो सर्कल की बाउंड्री पर हो तो पी क्यू की लेंथ जीरो हो जाएगी, और अगर बाहर रहेगा तो अंडर रूट एस वन आएगी, एस वन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए। तो बहुत सी जगह पे हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना होता है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है, है ना। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उसका सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज हमने पी पॉइंट लिया है फाइव कॉमा सेवन। ठीक है, फाइव कॉमा सेवन हमने एक पॉइंट ले लिया,
और इससे हमें इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, उन टेंजेंट्स की लेंथ बतानी है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस वन। तो यहाँ पर क्लियरली हम क्या करेंगे कि एक्स की जगह पर 5 और वाई की जगह पर 7 रख देंगे। तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 4, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 5 स्क्वायर 25 हो गया, प्लस 49 हो गया, प्लस 10 माइनस 21 माइनस 4, ठीक है। तो 21 चार 25, 25 कैंसिल हो जाएंगे और 49 प्लस 10 59 हो गया, तो अंडर रूट 59 आ गया, ठीक है। और यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आएगी अंडर रूट 59 आ जाएगी, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उस पर बात करते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर कोई एक सर्कल दिया हुआ है, ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसके हमने मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट हमने लिया है और इससे हमने दो टेंजेंट्स बना लिए। एक टेंजेंट ये बना और दूसरा टेंजेंट कुछ इस तरीके से जाएगा यहाँ पर। तो एक टेंजेंट ऊपर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पी पॉइंट पर और दूसरा यहाँ पर क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये आर पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन, जहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो जो हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा वो पी और क्यू को ज्वाइन करेंगे जब हम, ठीक है। तो ये जो लाइन, ये जो कॉर्ड बन रही है, ये वाली डार्क मैंने बनाई है रेड में, तो ये जो कॉर्ड है इसी को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब देखिए पॉइंट हमें ये वाला पता रहेगा बाहर का, जहाँ से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, लेकिन हमें इक्वेशन इस वाली लाइन का देखना है, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। यहाँ पर हम इक्वेशन ले लेते हैं सर्कल का कैपिटल एस के नाम से। कैपिटल एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और इसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम मान लेते हैं टेंजेंट कैलकुलेट कर रहे होते एक्स वन वाई वन पॉइंट पर, तो उसका एक्सप्रेशन आता है टी इज इक्वल टू एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ टाइम्स वाई वन प्लस वाई एंड प्लस सी। ये टी के लिए एक्सप्रेशन आता, ठीक है। तो यहाँ पर जब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिखेंगे ना, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू ज़ीरो। टी इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू ज़ीरो। बट यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी कि जो एस वन की वैल्यू रहेगी इस पॉइंट पर एक्स वन वाई वन पुट करने पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यही कंडीशन तो मतलब यही इक्वेशन तो टेंजेंट की भी होती है, बिल्कुल होती है। एक्स एक्स वन वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो एंड एस वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये ही इक्वेशन जो है टेंजेंट की इक्वेशन भी है और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी है। टेंजेंट की इक्वेशन में बस एस वन इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, फॉर टेंजेंट। एंड ये
फॉर सी ओ सी यानी कि कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए एस वन ग्रेटर देन जीरो रहेगा और एस वन इक्वल टू जीरो अगर हो जाता है तो यही फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, और एस वन उस केस में जीरो हो जाता है यानी कि पॉइंट उस सर्कल की बाउंड्री पर लाई करने लगता है, तो टेंजेंट बन जाती है। लाइन नहीं करता है, बाहर रहता है, तो कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट दे देगा। ठीक है, तो ये कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट या विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट 1,1। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या आएगा, बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाई t इज इक्वल टू जीरो, मतलब x x1 प्लस y y1 प्लस टू टाइम्स x प्लस x1 बाई टू, थ्री टाइम्स y प्लस y1 बाई टू प्लस c यानी कि माइनस फोर जो भी है यहाँ पर माइनस का फोर है, तो वन एक्स वन वाई वन की जगह हम 1,1 रख देंगे। तो ये x प्लस वाई प्लस टू टाइम्स x प्लस वन बाई टू, थ्री टाइम्स y प्लस वन बाई टू माइनस फोर, टू का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे में, तो 2x प्लस टू वाई प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस थ्री वाई प्लस थ्री माइनस एट, तो 2x प्लस टू एक्स फोर एक्स आ जाएगा, 2y और 3y प्लस 5y हो गया, और इधर से कांस्टेंट आ रहा है हमारे पास ये 2 और प्लस 3 5, 5 में से 8 कम हो जाएंगे तो माइनस 3 बचेगा। ठीक है, तो यही इक्वेशन हमें मिल गया जो कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर, अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड केस बचता है, थर्ड केस क्या है, कह रहा है कि पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, कोई एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन जहाँ से हमें दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ करी हैं उनका इक्वेशन हमें डायरेक्टली लिखना है। यहाँ पे हमने सर्कल लिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड इसके कोरिस्पॉन्डिंग टेंजेंट टर्म बनेगा, जो टेंजेंट के लिए एक्सप्रेशन बनता है वो टी बनेगा, होगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन प्लस सी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, और इसमें अगर हम देखना चाहें कि हमारा जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा तो इसको इस टाइप से देख सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है और इससे एक टेंजेंट ये आ रही है और यहाँ से दूसरी टेंजेंट जो है कुछ यहाँ पर जा रही है, तो ये P पॉइंट है, ये गिवन रहेगा एक्स वन कॉमा वाई वन पहले से, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया,
तो हमें क्या करना है, पी ए और पी बी का कंबाइंड इक्वेशन बताना है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पर सेंटर रहेगा। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी का कंबाइंड इक्वेशन जो होगा वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पर जो हम कैपिटल एस ले लेते हैं सर्कल के लेफ्ट हैंड साइड को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी, और S1 का मतलब होता है पावर ऑफ पॉइंट, इस P पॉइंट का पावर निकालेंगे जो कि आएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स वन ट्वाइस एफ वाई वन प्लस सी, और ध्यान रहे कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो S1 इसमें पॉजिटिव रहेगा, और एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिलने वाला है वो एक लाइन के फॉर्मेट में आएगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन मिलेगी हमें फाइनली, और इसको हम बाद में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स इफ पॉसिबल, पॉसिबल तो होता ही है पेयर ऑफ टेंजेंट पेयर ऑफ लाइंस में, बट कभी कभी ये फैक्टराइज नहीं हो पाता है, तो अगर ज़रूरत है तो स्प्लिट करके दो पार्ट अलग अलग कर लो लाइंस के लिए, अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, जैसे आंसर लाना हो। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट अगर हम इसमें ले लें, सपोज फाइव कॉमा माइनस वन, एक कोई पी पॉइंट हमने लिया हुआ है फाइव कॉमा माइनस वन, जहाँ से हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए पहले चेक कर लेते हैं कि एस वन की वैल्यू क्या आ रही है, तो फाइव स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू फाइव माइनस फोर इंटू माइनस वन माइनस ट्वेंटी, तो ये आ गया ट्वेंटी फाइव प्लस वन प्लस टेन प्लस फोर माइनस ट्वेंटी, तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, पच्चीस में से पच्चीस छब्बीस दस, छब्बीस चार तीस दस चालीस, चालीस में बीस, यानी ट्वेंटी बचेगा ये, तो एस वन की वैल्यू ट्वेंटी आ गई जो कि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉर्ड मतलब हमें पेयर ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, बाहर से हम एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल टू एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पहले टी के लिए एक्सप्रेशन बताना पड़ेगा, तो ये आएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस एक्स वन माइनस टू टाइम्स वाई प्लस वाई वन माइनस ट्वेंटी। ठीक है, तो टेंजेंट का एक्सप्रेशन वैसे ही निकाल लेंगे जैसे कि हम टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई की जगह पे वाई प्लस वाई वन बाई टू रिप्लेस करके, अब इसमें फाइव को माइनस वन पुट कर देते हैं, तो फाइव एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस फाइव माइनस टू टाइम्स वाई माइनस वन माइनस ट्वेंटी। तो इसका एक्सप्रेशन आएगा 5x में से एक x यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, माइनस वाई ये है माइनस टू वाई, तो माइनस का 3y हो गया, और 5 यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा और प्लस 2
सेवन, सेवन में से 20 कम हो जाएंगे तो माइनस का 13 बचेगा। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास टी के लिए आ गया। तो इक्वेशन हम जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम एस एस वन, एस वन की वैल्यू 20 अप्लाई करेंगे, 20, एस का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 20 और 6x माइनस 3y माइनस 13, इसका हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लिटिल बिट कैलकुलेटिव है ये, लेकिन हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो 20x स्क्वायर प्लस 20y स्क्वायर प्लस 40x माइनस 80y माइनस 400, और राइट हैंड साइड में 36 का स्क्वायर, 36x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 169 माइनस का 36 एक्स वाई, फिर इधर प्लस आएगा 39 दूनी 78 वाई और माइनस 78 और 156, ठीक है 156 एक्स आ जाएंगे ये। अब ये सारे टर्म्स हम एक तरफ कर लेते हैं, तो इनको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म्स राइट में लिख जाते हैं। 36 में से 20 कम हो जाएंगे तो 16x स्क्वायर बचेंगे, माइनस का 36xy है ऑलरेडी वहाँ पर, और 20y स्क्वायर 9y स्क्वायर में से कम होंगे तो माइनस का 11y स्क्वायर आ जाएगा, और x के लिए हमारे पास बचेगा यहाँ पर ऑलरेडी 156x नेगेटिव है, 40 और हो जाएंगे तो माइनस का 196x आ जाएगा, 80y यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो 815x158 मतलब y, और कांस्टेंट में 400 इधर और ऐड हो जाएंगे तो 500 यानी कि 569 ये आ गया। तो फाइनली हमें जो आंसर मिल रहा है वो बेसिकली ये वाला टर्म मिल रहा है आंसर में, यानी कि जो दोनों लाइंस होंगी उनका कंबाइंड, यानी कि पेयर ऑफ जो टेंजेंट्स होंगे उनका कंबाइंड इक्वेशन हमें ये वाला मिलेगा। अब अगर हो सकता है तो हम इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं क्या आ रहा है, दोनों अलग अलग लाइंस भी मिल जाती हैं। तो जनरली अगर सिंपल एक्सप्रेशन बन रहा है तो हम अलग अलग लिख देते हैं, अदरवाइज पेयर ऑफ टेंजेंट के फॉर्मेट में ही लिखा रहता है यहाँ पर। तो इस तरीके से पेयर ऑफ टेंजेंट हमने कैलकुलेट किया इस सेशन में, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देखा, लेंथ ऑफ टेंजेंट देखा। तो इनको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करो और हर एक टॉपिक पर नोट्स ज़रूर बनाते रहो, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।